चलिए, वेक्टर की आज की क्लास में हम लोग बेसिकली सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यानी हम लोगों ने जो डेफिनेशन में बताया था हम लोगों ने कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो जुड़ने के लिए उसको जोड़ने के लिए हम लोग स्पेशल रूल इस्तेमाल करते हैं और वो एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, किस तरह से वेक्टर्स को हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, वो आज हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहते हैं और वो है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स यानी दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, बराबर कब होंगे। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक ऑब्वियस सी बात है कि दो वेक्टर बराबर तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। जैसे ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर सपोज इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है और दूसरा है ये बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है। ऑब्वियसली ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर नहीं है, यानी ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। व्हाई? सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जबकि यहाँ पर डायरेक्शन दोनों का सेम है, डायरेक्शन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दूसरा सिचुएशन देखिए, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 5 मीटर, डी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 5 मीटर। सी वेक्टर अगेन इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर। व्हाई? सिंस डायरेक्शंस आर डिफरेंट। यहां ये दोनों इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, ये 3 मीटर है। अगेन ई वेक्टर इज नॉट इक्वल टू एफ वेक्टर सिंस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट। ठीक है, तो आप देखिए इन सारे सिचुएशंस में दो वेक्टर इक्वल नहीं है, लेकिन अगर दो वेक्टर इक्वल होंगे तो देखिए किस सिचुएशन में, सिर्फ एक कंडीशन में। ये सपोज जी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, लेंथ ऑफ द एरो, और ये एच वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। इन दिस केस जी वेक्टर इज इक्वल टू एच वेक्टर, सिर्फ इसी कंडीशन में। यानी दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। तो इसमें थोड़ा सा कॉशस रहिएगा इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स में। अब यहाँ पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जैसे इस सिचुएशन को देखिए, सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर, सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर।
यानी सी और डी वेक्टर आपस में बराबर नहीं है। तो जब कोई दो चीज़ बराबर नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि एक बड़ा है और एक छोटा है, तभी हम उसको बराबर नहीं कहते हैं। दो की लंबाई बराबर नहीं है, मतलब एक लंबा है एक उससे छोटा है। तो यहाँ पर भी अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि सी और डी अगर बराबर नहीं है तो इन दोनों में बड़ा कौन है, क्या सी वेक्टर बड़ा है डी वेक्टर से या डी वेक्टर बड़ा है सी वेक्टर से, आप क्या जवाब देंगे? देखने से आपको थोड़ा लगेगा कि नहीं भाई, ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो इक्वलिटी की कुछ बात आपके दिमाग में आएगी। चलिए हम लोग इसी चीज़ को यहाँ देखें। अगेन ई वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू एफ वेक्टर, ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर नहीं है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ई वेक्टर बड़ा है एफ वेक्टर से या एफ वेक्टर बड़ा है ई वेक्टर से। तो बहुत लोगों के मन में ये बात आएगी कि शायद ये सही है, ये गलत है। और ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि उनको लग रहा है ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, सो ई वेक्टर इज़ ग्रेटर देन एफ वेक्टर। तो यहाँ पर वो चीज़ अगर आप सोचेंगे कि मैग्नीट्यूड इसका बड़ा था तो आपने इसको बड़ा वेक्टर कह दिया, तो यहाँ पर तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तब तो आपको कहना चाहिए सी वेक्टर इज़ इक्वल टू डी वेक्टर, और आप यहाँ देख रहे हैं सी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू डी वेक्टर। तो कहाँ गलती हो रही है, क्या गड़बड़ी आ रही है इसमें? तो इसमें ध्यान रखिएगा, इनइक्वलिटी का साइन यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वेक्टर के साथ कभी यूज़ नहीं होता। यानी दो वेक्टर अनइक्वल तो हो सकते हैं लेकिन उनमें कोई बड़ा नहीं हो सकता, कोई छोटा नहीं हो सकता। यू कैन नेवर यूज़ इक्वलिटी साइंस विथ वेक्टर्स। इनइक्वलिटी साइंस आर नॉट यूज्ड विथ वेक्टर्स, यानी ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर, एक्स वेक्टर इज लेस देन वाई वेक्टर, ये सब गलत नोटेशन है, यू कांट यूज दिस। लेकिन आप मैग्नीट्यूड के साथ ये चीज़ें लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ये सारे नोटेशन सही हैं, यू कैन यूज़। जैसे यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल्स डी वेक्टर, इसी तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, लेकिन कभी ये नहीं कि ई वेक्टर इज ग्रेटर देन एफ वेक्टर, ये कभी नहीं लिखा जाता। यानी वेक्टर्स के साथ हम लोग इनइक्वलिटी साइंस यूज़ नहीं करते हैं, वेक्टर अनइक्वल होते हैं, लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि अगर वो अनइक्वल है तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी वेक्टर बड़ा नहीं होता, कोई भी वेक्टर छोटा नहीं होता। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर, यानी दो वेक्टर को जोड़ना। जैसे सपोज करिए कि हमें दो वेक्टर दिया गया है, ये ए वेक्टर और ये सपोज बी वेक्टर, और इन दो वेक्टर को हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो वेक्टर को जोड़ने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे पैरेललोग्राम मेथड, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगोन लॉ, तो इसी में फिर आप एक
जोड़ सकते हैं, कंपोनेंट मेथड, ये सब मेथड्स हैं वेक्टर को जोड़ने के लिए। कंपोनेंट मेथड हम यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग बेसिकली इसी तीन पर फोकस करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड, ट्रायंगल लॉ और पॉलीगोन लॉ। जब हम आपको वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करना सिखाएंगे तो वहीं पे हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कंपोनेंट मेथड से वेक्टर को जोड़ भी सकते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो है ट्रायंगल लॉ। तो चलिए पहले हम लोग देखें पैरेललोग्राम मेथड से वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे। ये दो वेक्टर हमें दिए गए हैं, इनको जोड़ना है आपस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना ये होता है कि ये देखिए दोनों वेक्टर अलग अलग दिए गए हैं। तो हमने आपको बताया था कि वेक्टर में एक ख़ास बात होती है कि यू कैन मूव ए वेक्टर पैरेलल टू इट्सेल्फ। किसी भी वेक्टर को आप उसके लाइन के अलोंग या उसके पैरेलल मूव कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर को पैरेलल मूव करा के या तो बी को या ए को, इनको हम लोग टेल टू टेल आपस में मिला देंगे। देखिए इस बी वेक्टर को हम यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिए। अब ये दोनों वेक्टर का टेल आपस में मिल गया। जब दोनों वेक्टर का टेल आपस में मिल गया तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अब हमारा ये हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पर दो वेक्टर का टेल मिल रहा हो तो जो स्मॉलर एंगल है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब ये पैरेललोग्राम मेथड हमें क्या बताता है, कैसे हम इन वेक्टर्स को जोड़ते हैं? तो देखिए पैरेललोग्राम मेथड हमें बताता है कि इसको हम थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर देते हैं। सेम चीज़ है, देखिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है। इन दो वेक्टर को हमें जोड़ना है। तो पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार आप क्या करिए कि इन दोनों वेक्टर को किसी भी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड मानिए और एक पैरेललोग्राम प्रिपेयर करिए। तो पैरेललोग्राम प्रिपेयर हम कैसे करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन हमें ड्रॉ करना होगा और फिर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना होगा। ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, जो दोनों वेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ये जो इसका डायगोनल है यही इन दोनों वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको ये वेक्टर मिलेगा। वेक्टर के एडिशन को यानी वेक्टर को ऐड करने के बाद जो वेक्टर हमें मिलता है उसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट। जैसे दो नंबर्स को जोड़ते हैं तो उसका नाम कहते हैं टोटल सम। तो वेक्टर में टोटल और सम कहने का मतलब ट्रेडिशन नहीं है। दो वेक्टर को जोड़ने के बाद जो वेक्टर हमें मिलता है उसको हम लोग रिजल्टेंट कहेंगे और उसका सिंबल हम लोग यहाँ आर वेक्टर देंगे। यानी कि आर वेक्टर इज बेसिकली द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट हमें फिगर में दिख गया कि भाई रिजल्टेंट ये है। अब इस रिजल्टेंट का जैसे ही आपने सामने वाले को कहा कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब हमने जोड़ा तो हमें आर वेक्टर मिला, तो फिर दो बातें यहाँ आएंगी। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर का वैल्यू बताइए कितना होगा, एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। क्योंकि वेक्टर है तो दो चीज़ें आपको बतानी ही पड़ेंगी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, इस एरो का लेंथ, अगर हम इस एरो का लेंथ कैलकुलेट कर लें तो मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा। और अगर हम इस एरो का ए के साथ एंगल बता दें तो हमें डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। यानी यहाँ हमें आर की वैल्यू बतानी है या आर का जो एरो है उसका लेंथ कैलकुलेट करना है और आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल अल्फा को हमें कैलकुलेट करना है। दिया क्या गया है हमें, ए वेक्टर दिया गया है मतलब ए का मैग्नीट्यूड दिया गया है, उसका डायरेक्शन दिया गया है। बी वेक्टर दिया गया है मतलब बी का मैग्नीट्यूड पता है, उसका डायरेक्शन पता है। तो दोनों का डायरेक्शन जब आपको पता है तो दोनों के बीच का एंगल भी पता है, यानी थीटा आपके लिए नोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्टेटमेंट आपको लिख देते हैं, इसकी ज़रूरत वैसे नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए। If two vectors
आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दैट इज आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कि आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज गिवन बाय, मतलब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, आर इक्वल्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूला से आप आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंड डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज गिवन बाय टेन अल्फा इक्वल्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया, तो इसका एक सिंपल ज्योमेट्री से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि आर कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि हमें इस लेंथ को कैलकुलेट कर लेना है और इस डायरेक्शन का मतलब इस अल्फा को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें देखिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करें, इसको एक्सटेंड करें आगे की ओर। अब देखिए, ये ए वेक्टर है, यानी इस एरो की जो लंबाई है वो ए है, ये बी वेक्टर है, यानी इस एरो की लंबाई इसका लेंथ बी है, तो ये जो लेंथ है ये भी बी होगा। उसके बाद अब ये लेंथ को देखिए, ये एंगल अगर अल्फा है, सॉरी ये एंगल जो थीटा है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स, ये इसको वाई कह लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो वाई डिवाइडेड बाय पी बाय एच, वाई बाय बी, तो यहाँ से आपको वाई मिल जाएगा बी साइन थीटा। और इसी ट्रायंगल में अगर आप लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स दिस एक्स, यानी बी बाई एच, तो x by b, that is x equals b cos theta। तो ये दोनों लेंथ हमें मिल गया। अब हम लोग वापस आए इस ट्रायंगल में, इसका एक नाम दे देते हैं PQS। तो इन ट्रायंगल PQS
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर। पी एस कितना हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और एस क्यू क्या हो गया, बी साइन थीटा। इसको ब्रेक करिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ भी स्क्वायर कॉमन लिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन इन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ आ जाएगा, तो ये आर की वैल्यू मिल गई। और इसी ट्रायंगल में आप देखिए टेन अल्फा, टेन अल्फा इक्वल्स एस क्यू बाई पी एस, पी बाई बी, एस क्यू इज बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, दिस इज टेन अल्फा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया पैरेललोग्राम लॉ का, और पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट इस तरह से करेंगे कि रिजल्टेंट की वैल्यू इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्शन उसका इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। चलिए पैरेललोग्राम मेथड से अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने उसको लिख दिया है फिर से, पैरेललोग्राम मेथड का जो कंटेंट है, ए और बी तो वेक्टर है, लिखा गया है इफ़ आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी अगर आर इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करता हो तो आर की वैल्यू ये होगी और टेन अल्फा की वैल्यू ये होगी। यानी प्रॉब्लम बनाने में अब आपको पैरेललोग्राम वगैरह ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर ये दो वेक्टर दिया गया है, हम लोग सीधे लिखेंगे आर वेक्टर, रिजल्टेंट को हम लोग दोनों वेक्टर के बीच में बनाएंगे, बीच मतलब ठीक बीचों बीच नहीं, इस रीजन में कहीं भी। ठीक है, ये रिजल्टेंट की प्रॉपर्टी भी है, रिजल्टेंट जब भी लाई करेगा, आप पैरेललोग्राम मेथड में देख चुके हैं, तो वो हमेशा इन दोनों वेक्टर के एक्यूट एंगल रीजन में ही लाई करेगा। तो चलिए आर वेक्टर हमने बना दिया, और यहाँ पर हम लिख देंगे लेट आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी हमने ये बता दिया कि ये जो आर वेक्टर हमने ड्रॉ किया है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब आर की वैल्यू हम उस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यानी अंडर रूट 20 का स्क्वायर दैट इज 400, 20 का स्क्वायर दैट इज 20 इंटू 20 इंटू कॉस 60। तो ये हो गया अंडर रूट 800 प्लस 800 कॉस 60 दैट इज हाफ, अंडर रूट 1200 20 रूट 3। यानी इन दोनों वेक्टर को जब हमने जोड़ा, देखिए एक की वैल्यू 20 है, दूसरे की वैल्यू भी 20 है, अगर ये दोनों स्केलर होते तो इनका सम होता 40, 40 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब ये वेक्टर है और इसे हम वेक्टर के अनुसार जोड़ रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि 20 प्लस 20 यानी इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू आ रही है 20 रूट 3, और ये वैल्यू बदल जाएगी अगर ये थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोगों को चाहिए ये अल्फ़ा,
टेन अल्फा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बी इज 20 साइन 60 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20 कॉस 60, 20 इंटू साइन 60 इज रूट 3/2, 20 प्लस 20 कॉस 60 इज हाफ 10 रूट 3 डिवाइडेड बाई 30, दैट इज 1/√3, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ एक संयोग है कि अल्फा 30 आ गया, यानी रिजल्टेंट हमारा ठीक बीचों बीच पास करेगा। बाद में हम लोग देखेंगे कि जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो उसका रिजल्टेंट उसके ठीक बीचों बीच से ही पास करता है। तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का मेथड हुआ। आप हर जगह इसी तरीके से करेंगे, दो वेक्टर जो भी आपका दिया गया है उसके बीच में आप रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और लिख देंगे कि आर वेक्टर इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस। उसके बाद आर की वैल्यू आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे, इससे 30, और इस रिजल्टेंट को यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा मेथड हुआ रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का। तो पैरेललोग्राम मेथड से जब हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो हमें कोई पैरेललोग्राम वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ थ्योरी को समझने के लिए था। इसमें हम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि वेक्टर को के रिजल्टेंट को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, नो नीड ऑफ ड्राइंग एनी पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम मेथड है वेक्टर का, वेक्टर के एडिशन का। ओके।